नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आप सभी का स्वागत है आयुर्वेदिक उपचार में। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में एक्यूप्रेशर पॉइंट बताएंगे सर्वाइकल के। सर्वाइकल के ऐसे पॉइंट जिनको आप दबा करके अपने सर्वाइकल को बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हो बिल्कुल ही आसानी के साथ। दोस्तों एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत ही ज़्यादा कारगर है। अगर आपका सर्वाइकल किसी भी मेडिसिन से किसी भी एक्सरसाइज से ठीक नहीं हो रहा तो आपका सर्वाइकल एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने से ही आपका सर्वाइकल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों सिर्फ हम दो बिंदु बताएंगे, उन दो बिंदुओं को आपको दबाना है और आप अपने सर्वाइकल को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों आज हम बताएंगे कि दो बिंदु अपनी बॉडी पर कहाँ है जिसको हम दबाने से सर्वाइकल बिल्कुल ठीक होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए किस प्रकार से पॉइंट को दबाना है और कहां पर हमारी बॉडी में ये पॉइंट है। दोस्तों सर्वाइकल दो तरह का होता है, एक यस बोन सर्वाइकल एक नो बोन सर्वाइकल। यस बोन सर्वाइकल जो होता है, जब हम गर्दन को आगे झुकाते हैं तो हमें बैक साइड में पेन होता है, उसे बोलते हैं यस बोन सर्वाइकल। जब हम गर्दन को साइड में करते हैं तब हमें दर्द होता हो तो वो होता है नो बोन सर्वाइकल। इन दोनों सर्वाइकल का आज ट्रीटमेंट हम एक्यूप्रेशर पॉइंट के माध्यम से बताएंगे कि कौन से सर्वाइकल में कौन सा पॉइंट आपको दबाना है। तो देखिए दोस्तों ये हमारे पास एक डमी है, इसमें हम आपको बताएंगे कहां पर पॉइंट है। तो दोस्तों ये हमारा बैक एरिया है और ये मेरिडियन इस पर दिखाई गई है। एक्यूप्रेशर थेरेपी में इसमें मेरिडियन आते हैं, 12 मेरिडियन होती है और 2 मेरिडियन जो इनके कंट्रोलर होते हैं, यानी टोटल 14 मेरिडियन इस एक्यूप्रेशर थेरेपी में होती है। उसी पर 361 बिंदु होते हैं, उन 361 बिंदु के अंदर दो बिंदु ऐसे हैं जो हमारी यस बोन सर्वाइकल और नो बोन सर्वाइकल को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो वो कहां पर है ये देखिए, हमारी जो मेरिडियन है, ये मेरिडियन जो रेड वाली आपको नजर आ रही है ये वाली मेरिडियन है, इसका नाम है SI मेरिडियन, स्मॉल इंस्टेटाइन मेरिडियन, छोटी आंत का ऊर्जा पथ इसको हम बोल सकते हैं। अब इसमें दो पॉइंट ऐसे हैं जिससे आप दबाने से सर्वाइकल ठीक होगा, वो पॉइंट कौन सा है ये देखिए। ये हमारी यहाँ से शुरू होती है और यहां तक जाती है, जो हमारे ये वाला पॉइंट है, जो हमारे शोल्डर के पीछे ब्लेड होते हैं, जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, जो हड्डी होती है उनके बिल्कुल सेंटर में ये वाला देखिए, ये पॉइंट जहां पर हमारे शोल्डर ब्लेड होते हैं पीछे दोनों तरफ होते हैं उनके बिल्कुल सेंटर में यहां पर पॉइंट होता है SI 11 नंबर। इसको दबाने से हमें जो नो बोन सर्वाइकल है उसमें काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। अब इसको दबाना कैसे है, आपको इसमें दबाना है अंगूठे की सहायता से, इस तरह से आप इसको दबाना है छोड़ना है, दबाना है छोड़ना है। इस प्रक्रिया को आप करीब 2 से 2.5 मिनट तक लगातार करें, बाद में आप इसको इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको दोनों तरफ 2-2 मिनट कीजिए, ठीक है, आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा नो बोन सर्वाइकल में। अगर आपको यस बोन सर्वाइकल है तो उसमें कौन सा पॉइंट दबाना है, तो इसके अंदर देखिए ये SI 11 है हमारा, ये हमारा ये 11 नंबर हो गया, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 और 15 नंबर, ये हमारा 15 नंबर जो पॉइंट है SI 15, ये हमारी जो गर्दन आता है करीब हमारी जो C7 वर्टिबा आती है वहां पर ये पॉइंट है, उसको दबाना है इसी प्रकार से। अगर आपको यस बोन सर्वाइकल है, गर्दन आगे झुकते तब हमें दर्द होता हो तो आप इस पॉइंट को उसी तरीके से दबाना है छोड़ना है, दबाना छोड़ना है, आप इसको फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों इस दो पॉइंट दबाने से आपको जो सर्वाइकल है यस बोन और नो बोन सर्वाइकल, तो वो आपको लगातार 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर दबाने से आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा और बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।